हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असिम्प्टोटिक फिजिक्स स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चला था प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसमें हमने पढ़ लिया था टाइम ऑफ फ्लाइट और पढ़ लिया था रेंज। स्टूडेंट, आज अपन दो इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे, जिसका नाम रहेगा मैक्सिमम हाइट, और फर्दर अपन जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन प्रोजेक्टाइल, अर्थात प्रोजेक्टाइल के जो प्रक्षेप है उसका पथ का इक्वेशन क्या होता है। और यहीं से हमारा जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है वो क्या होगा, सॉल्व आउट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीवियस वीडियो में अपन काफ़ी कुछ अच्छे से बात कर चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आता है ये आपको पता चला, रेंज कैसे आती है ये आपको पता चला। ठीक है स्टूडेंट, यदि टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन की बात करें तो जब तक पार्टिकल हवा में रहे वो टाइम ऑफ फ्लाइट, और जब तक जहाँ से पार्टिकल एक्स डायरेक्शन को क्या करता हो, कंप्लीट करता हो, जहाँ से मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, तो ये क्या बन जाएगी स्टूडेंट, इसकी रेंज बन जाएगी। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट एक छोटी सी बात जो प्रीवियस वीडियो की है पर यहाँ पर काम आएगी, देखना क्या है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से जब अपन कोई प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं एट द एंगल थीटा, तो देखिए यहाँ पे इसके दो घटक होते हैं, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। स्टूडेंट अपन बात करें यू साइन थीटा, यहाँ पे क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, दैट मीन्स प्रारंभिक वेग। स्टूडेंट, मैक्सिमम हाइट पर जैसे ही पार्टिकल पहुँचेगा तो आप जानते हो कि उसका वर्टिकल जो कंपोनेंट रहता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, केवल हॉरिजॉन्टल जो घटक रहता है वही आगे जाता है। क्यों होता है, तो सर आप एग्जांपल से समझाया था प्रीवियस वीडियो में, हमने इस पे बात भी की थी कि जैसे मान लीजिए कि इस मार्कर को उछाला और ये जहाँ तक रुका अब आगे नहीं जा रहा ना, इसका मतलब उसका कौन सा घटक जीरो हो गया, ऊपर लेके जाने वाला, और ऊपर कौन लेके जाता है, यू साइन थीटा। ऊपर कौन लेके जाता है, यू साइन थीटा। दैट मीन्स एट द मैक्सिमम हाइट विच टर्म विल बी जीरो, यू साइन थीटा। कौन सी टर्म जीरो हो जाएगी, यू साइन थीटा। ठीक है, और अपन फॉर्मूला जानते हैं, एच इक्वल्स टू होता है यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अब माइनस हाफ क्यों लगाए, ये भी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, तो आपको थोड़ा ये छोटे छोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने हो तो प्लीज़ एक बार यह प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ठीक है, तो देखिए एट अपन बात किसकी कर रहे हैं स्टूडेंट, मैक्सिमम हाइट की, तो मैं यहाँ पे लगा दूँ एच मैक्सिमम। यू कौन सा स्टूडेंट, इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा, और टी कितना हो गया, मल्टीप्लाई आ गया टी से, माइनस हाफ ऑफ कितना हो गया, जी टी स्क्वायर। पहली तो कंडीशन ये बनी। अब इससे प्रॉब्लम एक आ जाती है स्टूडेंट कि अपन टी निकालेंगे, या तो ये टी रखो तो थोड़ा सा क्या हो गया स्टूडेंट, ये लेंथ ही हो गया ना, तो इसका दूसरा तरीका क्या है कि अपन एच मैक्सिमम निकाल सके। तो अपन दूसरा तरीका डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन क्या करेंगे, वापस इक्वेशन ऑफ मोशन ही उठाएंगे, पर कौन सी उठाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी, लेकिन एच की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एच मैक्सिमम। और आप जानते हो अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना हो जाता है, जीरो। कौन सा स्टूडेंट, अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग तो देखिए हमने इसको दिया तभी तो ऊपर गया ना, तो अंतिम वेग क्या हो जाता है, जीरो। दैट मीन्स वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब यू स्क्वायर बराबर अपन लिख सकते हैं कितना, टू जी एच मैक्सिमम। ठीक है, बट यू कौन सा है, यू है वर्टिकली, अर्थात यू कोस थीटा होगा या साइन थीटा, है ना, यहाँ पे कौन सा होगा, यू साइन थीटा। ठीक है, तो यू साइन थीटा अपन का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 2g, और आगे क्या चला जाएगा, h मैक्सिमम। तो h मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, h मैक्सिमम आ जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2g। ये लीजिए हमारे पास आ गया फॉर्मूला किसका, मैक्सिमम हाइट का। स्टूडेंट अब अपन थोड़ा सा डिस्कस करें कि भाई मैक्सिमम हाइट कब मैक्सिमम हो सकती, मतलब कहाँ तक मैक्सिमम हो सकती है, तो ये किस पे डिपेंड करती है, यू पे। किस पे डिपेंड करती है, थीटा पे। किस पे डिपेंड करती है, जी पे। बट जी तो कॉन्स्टेंट है, तो मेन जो डिपेंडेंसी रहती है वो किस पे रहेगी, यू पे और थीटा पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब सिंपल सा है कि यदि आपको प्रोजेक्टाइल में, या सिंपल यदि अपन डेली लाइफ की बात करें, तो किसी भी आपको पार्टिकल्स को या किसी को भी आपको मैक्सिमम हाइट तक लेके जाना है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको थीटा मैक्सिमम देना पड़ेगा पहली बात, दूसरी बात इनिशियल वेलोसिटी क्या देनी पड़ेगी, मैक्सिमम देना पड़ेगा। तो अब अपन जानते हैं कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू किस पे आती है, स्टूडेंट थोड़ा सा खुल के डिस्कस करें तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू एट, आप लोग जानते भी हो ना, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री,
दैट मीन्स यदि यहाँ पे कोई पार्टिकल है और आपको मैक्सिमम हाइट पे लेके जाना है, तो उसको जो आप साइन वाला जो घटक दे रहे हो वो आप क्या दीजिए, मैक्सिमम दीजिए। और साइन 90 का मतलब थीटा 90, सीधा ऊपर फेंकिए तो अधिकतम हाइट पर जाएगा। और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी आप दोगे स्टूडेंट, उतना ही अधिक क्या जाएगा, वो ऊपर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमने क्लियर किया एच। एच के बाद अब अपन चलते हैं किस पे, इक्वेशन ऑफ पाथ पे, अर्थात गति का समीकरण। थोड़ा सा स्टूडेंट वापस एक मिनट में जल्दी जल्दी सारा रिकॉल करना चाहूँगा, ताकि अपन क्या कर सकें, प्रोजेक्टाइल को एकदम दिमाग में रख सकें। तो पहली बात, यहाँ से अपन थीटा डिग्री के कोण पे फेंकते हैं, यू कोस थीटा कहाँ लेके जाता है, आगे की तरफ, और यू साइन थीटा ऊपर की तरफ। यहाँ पे कोई भी एट द टाइम हमने क्या बना लिए, घटक बना लिए, बना सकते हैं थीटा के हिसाब से क्या रहेगा, वेरिएशन रहेगा। उसके बाद ये मैक्सिमम हाइट है और यहाँ पर पार्टिकल आ जाता है, तो जो टाइम टी वन ऊपर जाने में लगा उतना ही नीचे जाने में लगेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2t1। इसके आधार पर हमने क्या निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, रेंज कैसे निकाली थी, यू कॉस थीटा लेके जा रहे, समय से गुणा करवा दो तो क्या मिल जाएगी, रेंज। एच मैक्सिमम कैसे निकाला वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब अपन स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ पाथ, अर्थात गति का समीकरण। तो देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने से पहले अपन छोटी छोटी बातें करते हैं। पहले कौन सी, पहले अपन बात करते हैं यू एक्स बराबर यू कोस थीटा और आर एक्स बराबर यू कोस थीटा इंटू टी। ठीक है, आपके दिमाग में ये आएगा कि सर आपने पहले ये यू एक्स क्यों लिखा। ठीक है, तो गति का मोशन ऑफ इक्वेशन क्या होती है, मोशन ऑफ इक्वेशन होती है वेरिएबल की इक्वेशन, है ना। जैसे मान लीजिए कि वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अपन को प्रोजेक्टाइल की चाहिए, तो प्रोजेक्टाइल की कंडीशन लगा दो, उसमें कोई जैसे वेरिएबल आ रहा है टी, समय बदल रहा है, उसको आप क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वाई में इक्वेशन बनाएंगे, उसमें यू साइन थीटा रखेंगे और टी का मान ऊपर से रख देंगे, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगी कौन सी, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं अपन एक इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, अब आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, देखिए आइए। चलिए स्टूडेंट देखिए आइए, वाई है, अब वाई कौन सी दिशा में, ऊपर वाली दिशा में। ठीक है, तो वाई के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, वाई के लिए अपन लिख सकते हैं वाई हो गया, और यू वाई मतलब एस बराबर यू टी माइनस हाफ ऑफ, ऐसे समझ लीजिए, जी टी स्क्वायर से। ठीक है, अब एस किस दिशा में विस्थापन है स्टूडेंट, वाई दिशा में, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, वाई दिशा लिख दिया। अब वाई दिशा में कौन लेके जाता है, यू वाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यू साइन थीटा, और मल्टीप्लाई किससे होगा, टी से, माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट अपन जानते हैं टी कैसे निकालने, तो टी निकालने के लिए सिंपल है, यू बराबर क्या होता है, यू कोस थीटा, पर वेग बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, और यू कौन सी दूरी है स्टूडेंट, एक्स दिशा की, तो एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, टी। यहाँ से अपन टी की वैल्यू निकाले तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, यहाँ से अपन टी की वैल्यू मतलब यू की जगह, यू एक्स की जगह लिख दिया एक्स अपॉन टी, बराबर कितना लिख दिया, यू कोस थीटा, तो स्टूडेंट टी कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, यू कॉस ऑफ थीटा। अब ये टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आगे क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए वाई बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यू साइन थीटा, तो एज इट इज, मल्टीप्लाई किससे होगा, एक्स अपॉन किससे स्टूडेंट, यू कॉस ऑफ थीटा, और टी की वैल्यू आ गई माइनस हाफ ऑफ जी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। तो ये जो कंप्लीट इक्वेशन जो बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, वाई बराबर आएगा स्टूडेंट, यू से यू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स टेन थीटा माइनस एक बट्टे दो जी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये लीजिए स्टूडेंट, ये आ गई आपकी किसकी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पाथ। ठीक है, अब स्टूडेंट ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, वापस बता रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था ना उसको सॉल्व करने में। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या था कि बताइए कि जब दो पार्टिकल प्रक्षेप्य पथ को फॉलो कर रहे हो
तो वो एक दूसरे को कैसे दिखते हैं, सरल रेखा में दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट इस पे अपन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। मेन इसी पर्पज़ के लिए हमने क्या की थी, प्रोजेक्टाइल सीरीज को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हमारी यही इक्वेशन अगले वाले वीडियो की क्या बन जानी है, हेडिंग बन जानी है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये तीन पर्टिकुलर जो मैंने टॉपिक समझाए वो समझ में आए होंगे, डायग्राम क्लियर हुआ होगा। यदि आपको देखो कंप्लीट क्लियर करना है तो प्लीज़ एक बार यह प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें सारा कंटेंट है, ठीक है। आज मैं हमें यहाँ तक पहुँचना ज़रूरी था क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जो क्वेश्चन में क्वेश्चन आया हुआ है 5 साल के पेपर में वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ आया हो तो प्लीज़ स्टूडेंट शेयर कीजिए ताकि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो वो क्या कर सके, सॉल्व कर सके। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।